Honorable ex-Prime Minister Manmohan Singh ji, Intec President Sanjeeva Reddy ji, Mallikarjun Kharge ji, Oscar Fernandez ji, Digvijay Singh ji, Sheila Dikshit ji, Ashok Singh ji, Intec ke Vice President Rajendra Prasad Singh ji, General Secretary Intec, Trade Union ke hamare leaders, Congress ke hamare leaders, Media ke hamare mitra, aap sabka yahan bahut bahut swagat, namaskar. रेड्डी जी, आपने कहा कि मैं आपके सब सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूं. शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाषण के बाद मेरे इमोशन को सुनने के बाद आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे. एक, जब कोई दिल की बात करता है तो हर एक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, लोगों को बात समझ आ जाती. आजकल खबर एक दिन की होती है, फेसबुक और ट्विटर के दिन हैं, सेल्फी के दिन हैं, लोग बेचैन हैं. हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब शब्दों के इस्तेमाल लोगों की कल्पना बताने के लिए किया जाता है, मगर उन शब्दों के पीछे क्या भाव है उसकी चर्चा नहीं की जाती. कुछ दिन बाद नए शब्द बोले जाते हैं और देश का ध्यान एक शब्द से दूसरे शब्द पर चला जाता है. मगर अगर एक नागरिक अपने आप से पूछे क्या हुआ, तो एक सन्नाटा सा छा जाता है, शब्द खोखले से लगने लगते हैं. अच्छे दिन से शुरुआत हुई, उसके बाद स्वच्छ भारत चालू हुआ, फिर थोड़े दिन बाद स्मार्ट सिटीज की बात हुई, फिर मेक इन इंडिया, फिर डिजिटल इंडिया, और अब जाकर हम एक्सेसिबल इंडिया तक पहुंच गए. भगवान जाने इसके बाद कौन सा नया शब्द जादू से उभरेगा. शब्द बहुत मजेदार होते हैं, ये जितना बताते हैं उतना छुपाते भी. ग्रोथ शब्द अक्सर सुनाई देता है, प्रगति शब्द सुनने में मिलता है, विकास, डेवलपमेंट, इन सब का बहुत प्रयोग होता है. हम अक्सर इन शब्दों को हकीकत मान लेते हैं, मगर ग्रोथ, प्रोग्रेस, इन शब्दों के पीछे क्या छुपा हुआ है, ये सच्चे सवाल है. ग्रोथ किसके लिए, प्रगति किसकी, विकास किसका, डेवलपमेंट किसका, ये सच्चे सवाल है. ग्रोथ का फायदा किसे मिल रहा है, क्या केवल 20-25 अरबपति बन रहे हैं, क्या कुछ गिने चुने लोग अपने प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और मजदूर बस का टिकट भी नहीं खरीद पा रहा है, क्या आम नागरिक को आत्मसम्मान मिल रहा है, क्या हमारे मजदूर झुग्गी में रहकर गंदा पानी पी रहे हैं, या उनके बच्चों को स्कूल जाने का अवसर मिल रहा है, घर के पास स्कूल है या फिर घर के पास गंदी नाली और कचरा है.
क्या चोट लगने पर हमारे मजदूरों का इलाज हो जाता है या फिर बिना दवाई को उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? ये सब सवाल जीडीपी, ग्रोथ, विकास, इन शब्दों के पीछे छुपे रहते हैं। सही बात है ना? प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत नए शब्द दिए हैं, मैं उन सब पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, बहुत समय लगेगा आपका, मैं टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। मगर मेक इन इंडिया पे मैं जरूर थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूं। जो भी इस देश में बनता है वो आप लोग बनाते हो, आपको इसका फायदा नहीं मिलता, मगर हर चीज जो बनती है, हर सर्विस जो हमें मिलती है, आप इस देश के मजदूर इस देश को देते हो, हमें देते हो। इसलिए शुरू करने से पहले मैं आपको अपने दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं केवल अपने और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि पूरे देश की तरफ से आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके खून पसीने और आंसुओं की पूरी देश इज्जत करता है। मैं इंटक को और इस हॉल में आप सबको मजदूरों की रक्षा करने के लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, जो आपने कांग्रेस पार्टी और इंटक के रिश्ते के बारे में कहा, मैं स्टेट से आपको उसके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। इंटक कांग्रेस पार्टी का एक संगठन है और हम इसको कांग्रेस पार्टी के संगठन में सही जगह देंगे। आप सबको हम कांग्रेस पार्टी में स्थान देंगे। इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आने वाले समय में आपके मेंबर्स को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में देखना चाहता हूं। और सिर्फ लोकसभा विधानसभा में नहीं, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में भी मैं आपको देखना चाहता हूं। और सिर्फ नगर पालिका और पंचायतों में नहीं, मंत्रिमंडलों में भी आपको देखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का विजन इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने का है। वो सोचते हैं कि इंडिया चाइना के साथ कंपटीशन कर सकता है और मैं भी इस बात से सहमत हूं। दुख की बात है कि हमारी सहमति यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि मेक इन इंडिया का क्या मतलब है उसके बारे में हमारे विचार बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि भारत का मजदूर बेईमान है, भारत का मजदूर काम चोर है और उसे सिर्फ लाठी मारकर काम कराया जा सकता है। उन्हें लगता है कि लेबर लॉज को कमजोर करने की जरूरत है और मजदूरों को डिसिप्लिन करने की जरूरत है, ताकि डिसिप्लिन करने के बाद वो काम करे। वो चाहते हैं कि मजदूर अपने घुटने टेक दे। यदि आप राजस्थान, गुजरात और अब हरियाणा में जो कानून बन रहे हैं उन्हें देखें तो ये बहुत स्पष्ट है हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया है। उन्हें लगता है कि हायर एंड फायर और यूनियंस को कमजोर करने से मजदूर काम करने लगेंगे। सरकार को न्यूट्रल रहना चाहिए, मगर सरकार ने और मोदी जी ने मजदूर को अकेला छोड़ दिया है। मोदी जी, एक बात आप समझ लीजिए, भारत का मजदूर ना कामचोर है ना इनडिसिप्लिन।
भारत मैन्युफैक्चरिंग में इसलिए पीछे है क्योंकि भारत का मजदूर डरा हुआ है, वो डर के जीता है और वो डर के मरता है। आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हो, मजदूर को जब तक अपने भविष्य के बारे में डर होगा तब तक वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसको आप उसके बच्चों का भविष्य दिखा दीजिए और फिर देखिए वो हिंदुस्तान को कहां पहुंचाता है। उसे आने वाले कल के बारे में नहीं पता होता। आप इस डर को मिटा दीजिए मोदी जी और फिर देखिए चीन कहां रह जाता है और हिंदुस्तान कहां चला जाता है। मैं नहीं मानता कि सरकार का काम मजदूरों से जबरदस्ती काम कराने का है। मजदूरों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तभी संभव है जब सरकार एक जज का काम करेगी, ना कि पूंजीपतियों की एडवोकेट का। लेकिन हर पार्टनरशिप की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, एक शुरुआत होती है। मेरे हिसाब से वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने पहले कहा कि आप देश को अपना खून, अपना पसीना और अपने आंसू देते हो। मुझे ऐसा हिंदुस्तान मंजूर है जहां आप अपना पसीना, जितना आप अपना पसीना देना चाहते हो आप दे सको। मगर मुझे ऐसा हिंदुस्तान मंजूर नहीं है जहां आपको अपना खून और अपना पसीना, अपने आंसू देने पड़े। हम इस देश को आपके खून और आपके आंसू से नहीं बनाना चाहते। मैं आपका खून और आपके आंसू नहीं चाहता हूं। मैं ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहता हूं जिसमें हम आपसे आपके बच्चों का भविष्य छीन लें। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए एक सेफ्टी नेट तैयार किया था। मोदी जी उस सेफ्टी नेट को तोड़ना चाहते और तोड़ रहे हैं। मोदी जी मजदूरों की जॉब सिक्योरिटी घटाकर उनसे बेहतर काम नहीं कराया जा सकता। यूनियन बनाना मुश्किल करने से मजदूरों की समस्या नहीं हल होगी। बेसिक नेसेसिटीज खत्म करने से मेक इन इंडिया सफल नहीं हो सकता। पानी, टॉयलेट, सुरक्षा के उपाय, 8 घंटा काम और ओवरटाइम काम के लिए पेमेंट को हटाने से मजदूर की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने वाली। मजदूरों को कॉन्ट्रैक्ट पर डालकर उनसे आप ज्यादा काम नहीं निकाल सकते। मोदी जी, मुझे नहीं पता आपको इन मुद्दों पर कौन सलाह दे रहा है, मगर आपको थोड़ा समय उन लोगों के साथ भी बैठना चाहिए जो मजदूरों को समझते हैं, क्योंकि जो आपको आज सलाह दे रहे हैं वो आपको गलत सलाह दे रहे हैं। जब भी मेरी मजदूरों से बात होती है तो वो मुझे अपने डर के बारे में बताते हैं। वो एक एक दिन के हिसाब से जीते हैं। नौकरी खो जाने के डर उनके ऊपर तलवार की तरह लटकता रहता है। उन्हें यह तक नहीं पता कि कल फैक्ट्री का गेट उनके लिए खुला होगा या बंद। उनकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य रहता है और वो है फैक्ट्री के गेट के अंदर घुसना। इसको पाने के लिए वो अपने आत्मसम्मान और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जो मजदूर अपने खून पसीने से मेहनत कर रहा है उसे डर के साथ जीने की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जब हम मजदूर को ज्यादा शक्ति देते हैं और उसको हिस्सेदार समझते हैं तो वो बेहतर काम कर पाता है। नौकरी जाने के सवाल न केवल मजदूरों के मन में डर पैदा करता है पर इसका उद्योग पर भी बहुत बुरा प्रभाव होता है। मजदूरों के शोषण के बदले उनके सम्मान में ही उद्योग का भला है। मुझे अपने देश पर पूरा विश्वास है। मैं इस देश के अमीर, मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर विश्वास करता हूं। अमीर लोगों के पास धन दौलत होती है और वो अपना ख्याल आसानी से रख सकते हैं, पर गरीब लोगों के लिए एक मिनिमम सिक्योरिटी नेट की जरूरत है।
इस सिक्योरिटी नेट के बिना मजदूर गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमने करोड़ों लोगों को मनरेगा दिया, करोड़ों लोगों को हमने गरीबी से निकाला। किसान हमारे पास आए, उन्होंने कर्जे की बात की और मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हैं, 70,000 करोड़ रुपए उन्होंने किसानों की कर्जा माफ की। हमने इस देश के गरीब को भोजन का अधिकार दिया और जहां भी हमें लगा कि गरीबों को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है वहां कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, मनमोहन सिंह जी दिखाई दिए, सोनिया जी दिखाई दी। लैंड एक्विजिशन बिल हम लाए और जब हमने उस बिल को पास किया था तो बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट हाउस में ऐसे ऐसे तालियां बजाई थी। उनकी सरकार आई, कुछ ही दिन बाद उन्होंने इस बिल को खत्म करने की कोशिश की। मोदी जी ने 3 बार ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस बिल को खत्म करने की, मारने की कोशिश की। हम लोकसभा में 45 एमपी हैं, आप जानते हो उनकी 280 से ज्यादा लोग हैं। हम खड़े हो गए और मोदी जी को हमने रोक दिया, किसान की लड़ाई हम लड़ गए। मोदी जी को गलत काम करने से हमने रोक दिया और फिर मन की बात में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, याद है आपको। मैं इस मंच से आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं, जैसे हमने किसान की लड़ाई लड़ी थी, जैसे हमने लैंड एक्विजिशन की लड़ाई लड़ी थी, जैसे हम किसान के हक के लिए लड़े थे, वैसे हम इंटक के साथ आज के हक के लिए, मजदूरों के हक के लिए लड़ेंगे। और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप सुन लीजिए। और इससे रेड्डी जी आपके सब सवालों का जवाब मिल जाना चाहिए। हम मजदूरों के साथ खड़े हैं और जहां भी हमारी जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ हम लड़ जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आप इस देश को अपना पसीना देते हो, इस देश को अपना खून देते हो, आप अपना भविष्य देते हो, आपका पसीना लेने को हम तैयार हैं, मगर आपका खून हमें नहीं चाहिए, आपका दुख हमें नहीं चाहिए। हम आपसे अपने आपके बच्चों का भविष्य नहीं छीनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका भविष्य बने, हम चाहते हैं कि आपके जेब में पैसा आए, हम चाहते हैं कि एक दिन आप भी अपना बिजनेस चालू करो, आप भी उद्योगपति बनो और आप भी इस देश को आगे बढ़ाओ। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।